Assalamu alaikum everyone. My name is Nazia. Today we will talk about the most important philosophy of Bertrand Russell. So let's start. First we will talk about biography. Full name Bertrand Arthur William Russell. He was a British philosopher, mathematician, logician and social critic. ये एक philosopher है, मैथमेटिशियन है, लॉजिशन और क्रिटिक भी है और ये 20th century का राइटर है और ये 18 मई 1872 में पैदा हुए और इनकी डेथ 18 फरवरी 1970 को हुई। इन्होंने इब्तदाई तालीम घर में मुख्तलिफ टीचर से हासिल की और ये अमीर ख़ानदान में से था और ये लिबरल ख़ानदान यानी आज़ाद ख्याल ख़ानदानों में से था। इसका ग्रैंडफादर ब्रिटिश के 2 बार प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं और ये ज़्यादा अपना वक्त अपने ग्रैंडफादर की लाइब्रेरी में गुजारता था। उसके बाद ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से अपनी तालीम शुरू की 1819 में और जल्द ही फिलोसॉफी और मैथमेटिशन में महारत हासिल करके ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की और 1900 में ये पेरिस गया। वहाँ उन्होंने मैथमेटिशियन कांग्रेस को विज़िट किया और इटालियन मैथमेटिक्स पियानो से ये इम्प्रेस हुआ और उन्होंने पियानो के वर्क को पढ़ना शुरू कर दिया। 1903 में इन्होंने अपना पहला इम्पोर्टेंट वर्क जिसका नाम द प्रिंसिपिया मैथमेटिशिया है, ये इनका कोलेबरेटिव वर्क था अल्फर्ड नॉर्थ व्हाइटहैंड के साथ। अब हम बात करेंगे अवार्ड्स की। इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे। एक डी मॉर्गन मेडल 1932 में मिला था, सिल्वेस्टर मेडल 1934 में मिला था, नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 1950 में मिला था, कलिंचा प्राइज़ 1957 में मिला था, जेरूसलम प्राइज़ 1933 में मिला था। बर्ट्रैंड रसेल ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है अनपॉपुलर एसे। इस एसे में ये एसे लिखता है जिसका नाम है फिलॉसफी एंड पॉलिटिक्स। ये इसकी मशहूर किताब है। इस किताब में इन्होंने 2 कॉन्सेप्ट दिए हैं। एक जॉर्ज हेगल, ये एक जर्मन है, इन्होंने एक फिलॉसफी दी जिसका नाम डॉगमेटिज्म है और दूसरा कॉन्सेप्ट जॉन लॉक का दिया है, उसकी फिलॉसफी है एम्पिरिसिज्म। डॉगमेटिज्म क्या है? डॉगमेटिज्म मीन्स अंधाधुंध एतबार करना। आपको ऑर्डर दिया गया है उसको मानना ही है, मीन्स कि अंधाधुंध लीडर को फॉलो करना। एम्पिरिसिज्म मीन्स नॉलेज थ्रू सेंसेस माइंड ऑब्जर्वेशन, मीन्स कि माइंड ऑब्जर्वेशन एंड सेंसेस के थ्रू हम जो नॉलेज गेन करें उसको हम एम्पिरिसिज्म कहते हैं। रूसेल लॉक की फिलॉसफी को फॉलो करता था और हेगल की फिलॉसफी के ये खिलाफ था। ये हेगल की फिलॉसफी है। हेगल कहता है ऑर्बिटरी अथॉरिटी हो, गवर्नमेंट को ओबे करो, नो फ्रीडम ऑफ स्पीच, हर किसी को आज़ादी नहीं है बात करने की। और उन्होंने कहा है कि एक लीडर ही होना चाहिए और कहा है कि जंग लड़नी चाहिए, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है उनको आगे करना चाहिए चाहे खून खराबा ना हो। इसके अपोजिट में लोक की फिलॉसफी आई, लोक्स फिलॉसफी ऑफ एम्पिरिसिज्म। ये एक फिलॉसफी थी, एक थ्योरी थी जो डेमोक्रेसी के हक में बात करती थी और इसके बाद रिलीजन टॉलरेशन होना चाहिए, हर किसी को आज़ादी हो वो अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, नॉन मुस्लिम हो वो पूजा करे और मुस्लिम हो वो इबादत करे। और इसके बाद उन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, जो गवर्नमेंट होनी चाहिए लेकिन उनके पास पावर होने चाहिए, उनका चेक बैलेंस हो और वो अपनी लिमिटेशन में रहें। पूरे ऐसे का कंक्लूजन है रसेल कहता है कि मैं एम्पिरिसिज्म के साथ हूँ, नॉलेज सेंसेस के थ्रू मिलती है और डेमोक्रेसी को फॉलो करना चाहिए,
नॉलेज को, और फर्दर ये कहता है कि नॉलेज के थ्रू सेंसेस फैक्ट रेशनलिज्म यही चीज़ें इंसान को ज़िंदगी में आगे बढ़ाती है और कामयाबी देती है। ये इनके फेमस वर्क्स हैं। द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स 1903 में ये लिखा, द प्रॉब्लम ऑफ फिलोसॉफी 1912, प्रिंसिपिया मैथमेटिसिया 1910 1930 में ये लिखा गया, ओवर नॉलेज ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड 1914 में ये लिखा गया था, इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल फिलोसफी 1919, व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन 1927, ह्यूमन नॉलेज इट्स स्कोप एंड लिमिट्स 1948, इन प्रेस ऑफ इडलनेस एंड अदर एसे 1935, ट्रू बिलीवर अनपॉपुलर एसे 1950। हेयर एंड माई टॉपिक। थैंक यू ऑल।